अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। कलवा मुमरा के एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवहट के पूर्व अंगरक्षक वैभव कदम ने अपनी जान दे दी है। पुलिस ने बताया है कि घायल अवस्था में हार्बर रेलवे लाइन पर तलोजा और पनवेल के बीच में ये पड़े हुए थे। इन्हें अस्पताल लेकर आया गया, मगर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। थाने के सिविल अस्पताल में डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसकी जानकारी लगते ही थाने सिविल हॉस्पिटल के पास बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक चर्चित आनंद कुरमुसे मामले में वैभव कदम को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। वैभव कदम ने अपनी जान देने के पहले कोई भी नोट नहीं लिखा था, लेकिन एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस और मीडिया से गुजारिश है कि मैं आरोपी नहीं हूँ। इस पूरे मामले में लोहमार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर पंडरीनाथ कांदे ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। तोड़ोजे दरमियान जख्मी अवस्थित आढ़ले आम्मी तबियत घेन दिभा हॉस्पिटल में आने लिथे तो मयत घोषित के लिए पोस्टमार्टम सा सिविल हॉस्पिटल थाने आने लबत आम्मी पुलिस थानेस थाने रेलवे पुलिस थानेस अपमृत्यु दाखिल के प्रकरण की चौकशी चालू है। आतापर्यंत मैंने केलेल्या तपासामध्ये सुसाइड नोट का सध्या प्राप्त नहीं है। बताइए क्या वाक्य हुआ था, कहाँ पे बॉडी मिली थी, मृतक का नाम क्या है और अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? एसपीओ के हवलदार वैभव कदम इनका बॉडी ये इंजर्ड मिले थे तलोजा और निर्जय के बीच में। उनको हमने हॉस्पिटलाइज किया, उधर हॉस्पिटल में उनको डेथ डिक्लेयर किया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू।